शिवपुरी कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में हॉस्टल की छात्राएं हॉस्टल में मिलने वाली पतली दाल को लेकर पहुंची, जहां कलेक्टर से छात्रावास में दिए जाने वाले खाने की शिकायत दर्ज कराई है। शासकीय अनुसूचित जाति कन्या पोस्ट मैट्रिक महाविद्यालयीन छात्रावास की छात्रा मंजू अहिरवान ने बताया कि हॉस्टल की वार्डन द्वारा नाश्ते में खिचड़ी चावल दलिया के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता है। दिए जाने वाले नाश्ते की गुणवत्ता खराब रहती है। इसके अतिरिक्त खाने में हर रोज आलू और दाल के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता है। आलू और दाल की सब्जी में पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। दाल में दाल को ढूंढकर खाना पड़ता है। इसके चलते हॉस्टल की छात्राओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मेरा नाम मंजू अहिरवार है। कहाँ रहती हूँ? मैं हॉस्टल में रहती हूँ, सीनियर वाली का छात्रावास। आज कलेक्टर साहब के पास आई थी, क्यों आई थी? सर वो खाना की प्रॉब्लम थी, इसलिए आए थे। क्या क्या परेशानी आ रही, किस तरह खाना मिल रहा है? खाना अच्छा नहीं मिलता और नाश्ता भी अच्छा नहीं मिलता। हर रोज सुबह नाश्ते में खिचड़ी चावल दलिया मिलता है। अभी क्या लेके आई थी तुम? अभी हम दाल लेके आए थे। दाल कैसी थी? दाल आप देख सकते हो ऐसी थी, दाल में कुछ नहीं है। तो क्या अधीक्षक परेशान करती है क्या? चिल्लाती है, डांटती है, इसलिए हम ज्यादा बोल नहीं पाते। अच्छा हाँ, शाम के नाश्ते में वही एक वाला। क्या पूरा मामला है? ये पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में जी बच्ची आई हैं। अभी कलेक्टर सर ने मेरे को बुलाया था और उन्होंने दो अधिकारी, महिला अधिकारियों की जांच करने की टीम बनाने के लिए मेरे साथ चलने के लिए बोला है। मैं उनको साथ ले जा रहा हूँ। इन छात्रों के बयान लिए जाएंगे। बयान लेने के बाद जो रिपोर्ट महिला अधिकारी जो देंगी उनको कलेक्टर साहब के प्रस्तुत होती है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये भोजन से संबंधित शिकायत है, पहली बार है। जैसे बच्चियों ने आपके सामने कथन दिए हैं कि मैं तीन बार गया हूँ और जी उनके सामने अधीक्षक के सामने मेरे को नहीं बताया, अब पहली बार बताया तो कार्रवाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।